बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम सरदार नुमान है और आप लोग मेरे YouTube चैनल एस सोनल रिकॉर्ड पर ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। एक बड़ी ही सैड वीडियो जो है आज मैं बना रहा हूँ, एक बड़ा ही दिल को हला देने वाला एक वाक़या पेश आया लाहौर में। ये वाक़या है कैंपस नंबर 10 ऑफ लाहौर और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कैंपस नंबर 10 लाहौर का। इस वाक़े की पर मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे फिर बहुत से स्टूडेंट्स ने जो पंजाब कॉलेज के उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा सर ये इस मसले पे भी आप बात करें। तो हुआ कुछ यूँ कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो अभी तक के इत्तला के मुताबिक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक स्टूडेंट हैं, आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन हर नेम। उन स्टूडेंट का कार पार्किंग में जो गार्ड है, वैन ड्राइवर है, गार्ड है, ये लोग मिल के रेप करते हैं। एक बड़ा दिल को दहला देने वाला ये वाक़या है। इसके बाद PGC की जो मैनेजमेंट है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो हेड जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, वो इस वाक़े को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसको मीडिया कवरेज ना मिले। इसे उन स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया कि सर प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं ताकि इसको हम आगे कर सकें। तो अच्छा, तो वाक़या ये है कि स्टूडेंट के साथ ये वाक़या पेश आता है और उसको और उसका रेप जो है किया जाता है कार पार्किंग के अंदर ही। और अब PGC की जो इंतज़ामिया है वो उनको उनकी आवाज़ को सरप्रेस कर रही है और वो चाह रहे हैं कि इसकी आवाज़ जो है वो ये पुलिस तक केस ना चाहे और इस केस को ना मीडिया की लाइट मिले और इस केस को हम यहीं पर दबा दें और ये केस जैसे बहुत से केस पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं, इस केस को भी बंद किया जाए। तो ये इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि मैं उनकी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों से मुराद कि मैं हायर मैनेजमेंट तक, यानी कि जो पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उस तक मैं अपना ये मैसेज पहुंचा सकूं कि इस प्लीज़ इस वाक़े पर नोटिस लिया जाए। आई वुड रिक्वेस्ट IG पंजाब, आई वुड रिक्वेस्ट ASP, SSP पेशावर डिवीजन कैंपस 10 के करीब जो थाना है उसके, कि प्लीज़ इस वाक़े के ऊपर नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द जो भी इसके कल्प्रिस्ट हैं जो भी मुलजमान हैं उसको इंसाफ की कटहरी में ला कर खड़ा किया जाए और उनके पेरेंट्स को जाए। और जो बेचारी बच्ची जिनके साथ ऐसा सीन हुआ है, शी वॉज इन फर्स्ट ईयर, और उनके साथ ऐसा ये सारा एक बहुत अजीब सा वाक़ा हुआ है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके पेरेंट्स को तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खैर पेश करे। और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक शी इज़ इन ICU लाहौर और उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है, हालत बड़ी ख़राब है। और मौके से फरार हो गए थे जो मुलज़िम थे, जिसमें गार्ड था और वैन ड्राइवर था, और कार पार्किंग के अंदर ही, PGC की कार पार्किंग के अंदर ये दिल को दहला देने वाला ये वाक़या पेश आता है। तो मेरी इंतज़ामिया से, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, IG पंजाब से, उस्मान साहब से, आप सब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वाक़े का जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और ताकि हम जो मुलजमान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, ताकि जो मुलजमान उनको हम खैफ किरदार तक पहुँचा सकें। प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर नोटिस लें, प्लीज़ इस वाक़े के ऊपर नोटिस लें, क्योंकि अगर आज ये नोटिस नहीं लेंगे तो कल फिर और लोगों को और भी ऐसे जो जालिम है उनको और मौका मिलेगा। तो प्लीज़ इस पर मौका और ना दिया जाए और प्लीज़ इस पर नोटिस लिया जाए ताकि आगे फ्यूचर में हम लोग ऐसे वाक़ियात ना सुने, फ्यूचर में ऐसे वाक़ियात ना देखें। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपनी, ताकि शायद मेरी आवाज़ जो जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से धन्यवाद।